So here I am, life with life processes, class 10, part 3. So guys, in my last two videos, I have taught through ebook, but now I am going to teach you with my notes, because these are definitely going to be simpler, and for you also, they'll help you to make you your notes. So let's begin. First, if we talk about nutrition, तो सबसे पहले ये nutrition है क्या? तो बाहर से तो आपने चलो खाना खा लिया, but अब आप जो काम कर रहे हो, like अगर मैं breathe कर रही हूँ, अगर मैं different processes कर रही हूँ जो मेरी life को maintain करने के लिए necessary है, वो energy तो obtain करने पड़ेगी ना food से, खाना तो खा लिया, पर उस खाने में से एनर्जी ऑब्टेन करना, लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन. सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम इट सो एज टू मेंटेन डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक. सो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली दोज ऑर्गेनिजम्स दे हु टेक द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर आउटसाइड एंड प्रिपेयर द ओन फूड. दोज आर बेसिकली CO2 एंड H2O. सो यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि देर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल दीज पैराग्राफ्स. तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन की टू टाइप्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या है. फिर द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी कि एक्सप्लेन द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स. तो आपको बताना पड़ेगा द ग्रीन प्लांट्स take in sunlight and water from their roots. You need to basically specify ki haan they are taking in the raw materials, but you also need to mention that from where are they taking the raw materials, and that in the presence of those raw materials they basically make carbohydrates which help to generate the oxygen. So this is the process, and this equation is very important. So ये सब होने के बाद what happens during photosynthesis? This is a very important 3-mark question. So light energy is converted into chemical energy and splitting of water molecule. Absorption of light energy by the chlorophyll and reduction of carbon dioxide to carbohydrates. So guys, now I come to the heterotrophic mode of nutrition, but before starting it, I would like to tell you that heterotrophic mode of nutrition is also called holozoic mode of nutrition. What holozoic? Here's the spelling, holozoic. So holozoic mode of nutrition. So what is this? Heterotrophic organisms are basically dependent on the other organisms for their food, okay? And for heterotrophic mode of nutrition, there are different strategies. So, pehli to breaking it out the body and then absorbing the food. So, kaiyon ke andar you can say kitni shakti nahi hoti hai ki wo andar jaake food ko digest kare, to wo bahar hi tod ke fir andar dalte hai food ko. To wo kaun se organisms hain? Yeast aur मशरूम. और फिर कई ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में डिपेंड करते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट. वो उनको कोई हार्म नहीं देते, बट अपना न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो दोज आर बेसिकली कसकटा एंड टिक्स. यू नीड टू नो द एग्जांपल्स टू. गाइस फिर इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन जो भी कह लो, कि हाउ डज एमीबा टेक इन इट्स फूड. और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है डिफरेंस बिटवीन हाउ द एमीबा एंड पैरामीशियम टेक्स इट फूड. तो सबसे पहले एमीबा की बात करते हैं. एमीबा की होती हैं फॉल्स फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, जिनको कहा जाता है सूडोपोडिया, मीन्स फॉल्स फीट्स. ठीक है, वो उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को एक्सटेंड कर लेते हैं अपने बेसिकली जिसको भी वो इंजेस्ट करने वाले होते हैं उस फूड को. और फिर उसके बाद उस फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेते हैं उसके अराउंड, उसको अंदर ले जाते हैं, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल विच इज नॉट ऑफ यूज इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सेल. और वही बात करिए अगर पैरामीशियम की, जिसकी डेफिनेट शेप है. अब सूडोपोडिया में क्या है, उसकी डेफिनेट शेप नहीं, सॉरी एमीबा की जो है वो डेफिनेट शेप नहीं है, इस वजह से वो अपनी शेप चेंज करके फिर न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करता है.
पर पैरामीशियम ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्या करता है अपनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू अपना फूड अंदर लेके जाता है, वहाँ पे डाइजेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। लेट्स लुक एट द डायग्राम वेरी क्विकली। न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है, एमीबा हैज़ न्यूक्लियस। आप देखोगे इसने अपनी फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो एक्सटेंड कर ली हैं। अब उसके बाद फूड वैक्यूल फॉर्म करा है फूड के अराउंड, फाइनली द फूड इज एंगल्फ्ड। सो आई होप दिस वॉज एबल टू मेक योर डाउट्स क्लियर, हेल्प यू सम हाउ। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड डू वॉच माई नेक्स्ट पार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हैव अ नाइस डे।